हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सुनाली। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आलू के छिलकों से आप किस प्रकार केवल 15 दिन में अपना जादुई सा गोरा रंग पा सकते हैं। और ये नुस्खा बिल्कुल देसी है और सभी देसी नुस्खे अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। आलू के छिलके कमाल के होते हैं, यह मेरा यकीन मानिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे इस ग्रह सुनाली यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और पसंद आने पर इस जानकारी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आइए जानते हैं कि किस प्रकार आलू के छिलके आप पर जादुई असर करेंगे। दुनिया भर में आलू एक प्रचलित सब्जी है और इसका इस्तेमाल लगभग सभी घरों में किया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके छिलकों को फेंक देते हैं। और जब आप इसके छिलकों के औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आलू के छिलकों में आलू से भी अधिक महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं। यदि आपकी आँखों के नीचे सूजन है या डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है या चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे या मुहासे हैं, आप कुछ भी दूसरी औषधियों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ आलू के छिलकों के अंदरूनी हिस्से को अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से दबाव देते हुए 10 से 15 मिनट तक रगड़िए और थोड़ी सी देर के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो करके साफ कर लें। 15 दिनों में फ़र्क ज़रूर महसूस होगा और यह मेरा दावा है। और तो और, आप इन छिलकों को मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें और इसे रुई की सहायता से अपने चेहरे पर लगाइए। 15 ही दिनों में आपकी चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल जाएगी और यह बिल्कुल देसी नुस्खा है। तो आज से आलू के छिलकों को फेंकना बंद कर दीजिए। ध्यान रहे, छिलकों के इस्तेमाल से पहले आलू को अच्छी तरह से साफ पानी से रगड़ रगड़ कर साफ जरूर कर लें और फिर इन छिलकों को इस्तेमाल में लाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, ग्रह सुनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी अधिक लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। एक और नई जानकारी मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी। धन्यवाद।